नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उमस्ती दिल्ली पानी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पानी बरसा और ऐसा बरसा, घुमड़ घुमड़ कर बरसा कि चंद घंटे में ही दिल्ली दरिया हो गई। जनतंत्र का गीत गाने वाली दिल्ली में जनता का तंत्र सड़कों पर बह निकला। जहां आम लोग रहते हैं वो भी पानी पानी, और जहां खास लोग रहते हैं वो भी पानी पानी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे राजनीति के विधाताओं ने भी देखा होगा अपनी डूबती उतराती और बहते हुए चली जाती दिल्ली को। जरा सी बारिश में दिल्ली की सड़कों पर उमड़ आया सैलाब सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि क्या उतर गया पानी। लहरों पर बलखाती दिल्ली, बारिश में उतराती दिल्ली, पानी से भर जाती दिल्ली, बारिश में घबराती दिल्ली, डूब डूब के जाती दिल्ली। तो दिल्ली दिल्ली नहीं, छुई मुई हो गई है, लाजवंती हो गई है। जरा सी बरसात क्या हुई, तड़प उठी दिल्ली। जरा सी बरसात और दरिया दरिया दिल्ली। चंद मिनटों की बारिश में कैसे दरिया हो जाती है, और मुश्किलों की बारिश किसी को नहीं बख्शती, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कमर भर पानी में, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क है, और साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली जिसको पॉश इलाका माना जाता है उसकी सड़क पर ये बुरा हाल है। बच्चे को गोद में लेकर के महिला, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एकदम से परेशानी हो रही है। तो मछली मारिए या चप्पू चलाइए, मगर बरसात में दिल्ली आइए तो नाव से आइए। हम शांति पथ के इलाके में, ज्यादातर यहाँ पर दूतावास हैं, विदेशी राजनयिक यहाँ पर रहते हैं, और ये देखिए शांति पथ का हाल। लगातार सुबह से जो बरसात हो रही है उसके बाद अब यहाँ पर 1 फुट से ज्यादा पानी है, ये आप देख पा रहे हैं। यकीन नहीं होता, ये देश की राजधानी और ऊपर से लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली का इलाका है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जल जमाव। तो कहने के लिए होती होंगी मानसिंह रोड, अकबर रोड, मथुरा रोड, इरविन रोड, लेकिन बारिश में ये सारी रोड तालाब हो जाती है। करते रहिए छपाकछई। यहीं पर कांग्रेस का मुख्यालय है, साथ ही सोनिया गांधी का निवास स्थान, इसके अलावा एयर चीफ का भी घर इसी इलाके में और इसी सड़क पर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जल जमाव है उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि पानी कितनी ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। बादलों की बेरुखी से उमस्ती उमस्ती दिल्ली, बादलों की ही मोहब्बत पर बिलख उठी है। यह है ITO क्रॉसिंग की तस्वीर, जहाँ पर बस खड़ी है बीच सड़क, क्योंकि पानी भरा हुआ है और पानी में जाकर के बस हो गई है बंद। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तमाम इंतजाम जिनके दावे किए जाते हैं, जिनकी बात की जाती है, वो ऐसे ही नदारद नजर आते हैं जब बारिश होती है। हाँ, तो कौन सा पहली बार बस फंस गई है। दिल्ली में बादल का बरसना और बस का फंसना दोनों का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल जय वीरू माफिक, राम बलराम माफिक, करण अर्जुन माफिक। ये रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता अकबर रोड की तरफ जाता है, वहीं तीसरा रास्ता वाइस प्रेसिडेंट का जो घर है उस तरफ जाता है। यहाँ चौराहे पर आप देखिए कि जो NDMC से जुड़े हुए लोग हैं अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस पूरे जल जमाव का जो पानी भरा हुआ है उसको खोला जा रहा है। स्थिति साफ है कि जिस तरीके से लुटियन दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है। अपना दिल्ली वेनिस से कम है क्या, ये अलग बात है कि हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन बरसात में तो होता ही है, इटली वाले रश करेंगे। ये है तस्वीर पॉश लोधी एस्टेट की, जी हाँ, यहाँ गाड़ियाँ उल्टी दिशा में जा रही हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे
आप देखिए आगे जाने वाला रास्ता बंद है, पेड़ के गिरने की वजह से ये रास्ता बिल्कुल बंद है और इसकी वजह से आप देखें तो पीछे की तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, तमाम गाड़ियां आगे आ रही हैं। नामकरण के लिए कहते रहिए दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, लेकिन अव्यवस्थाओं के मामले में बरसात ये भेद खत्म कर देती है। क्या आम क्या खास, सारे रास्ते लबालब। दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है और जो रेलवे ब्रिज है उसके नीचे क्या हाल है ये भी आप देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के नजदीक और सामने आप ये जो जलभराव देख रहे हैं, ये जलभराव कहीं ना कहीं आज उन तमाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है जो घर से बाहर निकले हैं। दिल्ली के नीति नियंताओं ने पता नहीं ये पानी देखा कि नहीं, लेकिन देखा है तो ये जान ले कि ये भरा हुआ पानी उनका पानी उतार रहा है। आज तक ब्यूरो। पानी ने तो इस देश के संचालकों का पानी उतार दिया है, मगर कुछ लोग और हैं जिनकी सोच उनका पानी उतार रही है। उनके बारे में बताने से पहले तालिबान की एक बहुत पुरानी और बहुत चर्चित बात बता देते हैं। तालिबान महिलाओं की आजादी का सबसे ज्यादा विरोधी है। वो नहीं चाहता कि महिलाएं घर से निकलें, अच्छे कपड़े पहने, बच्चे स्कूल जाएं और महिलाएं दफ्तर। लेकिन अकेले तालिबान ही क्यों, हमारे देश में जमीयत उलेमाए हिंद नाम के एक संगठन ने अपनी सड़ी हुई सोच प्रदर्शित कर दी है। जमीयत ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को उन स्कूलों में ना पढ़ाएं जिनमें लड़के पढ़ते हैं, मतलब ये कि लड़कियां उन्हीं स्कूलों में पढ़ें जिनमें लड़के ना पढ़ते हों। जमीयत की सोच का पानी उतराती ये रिपोर्ट देखिए और सवाल कीजिए कि उतर गया पानी। कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की जरूरत है। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दे, पाकिस्तान को दे। ये तालिबानी विचारधारा को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। ऐसा क्या हो गया कि बात पाकिस्तान तालिबान तक पहुंच गई? ऐसा कौन सा विचार आ गया जो हिंदुस्तान में तालिबान वाली सोच जैसा लगने लगा? और ऐसा कौन सा बयान है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई आग सुलगा दी है? इस पूरे विवाद के पीछे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की वो नसीहत है जिसमें उन्होंने लड़के लड़कियों की अलग अलग पढ़ाई की वकालत की है। अपने बयान में अरशद मदनी ने कहा, अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना जरूरी है। गैर मुस्लिमों को भी लड़के लड़कियों के साथ शिक्षा का विरोध करना चाहिए, यानी देश पीछे चला जाए तो इनकी बला से। इन्हें तो बस फिक्र है अपने फरमान की, अपने फतवों की, अपने बयान की। लेकिन ऐसे बयान पर अब उत्तर प्रदेश में घमासान छिड़ गया है। मदनी की सोच को बीजेपी नेता तालिबानी बता रहे हैं। देखिए, चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दे, पाकिस्तान को दे। जमीयतुल उलमाए हिंद का इस तरह का बयान आना ये तालिबानी विचारधारा को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और ये साफ हो गया है कि हमारे देश के अंदर इस तरह की संस्थाएं तालिबानी विचारधारा पर काम कर रही हैं और इनसे भी हमको दूर रहना होगा। बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध के बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी के समर्थन में उतर आए और को एजुकेशन के खिलाफ नई दलील रखने लगे। जो स्कूल लेवल तक तो को एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से एजुकेशन को इस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए कि लड़के और लड़की दोनों तालीम भी हासिल कर लें और उसमें कोई मसाइल भी ना पैदा हों जो आए दिन पैदा होते हैं। माहौल खराब हो रहा है गलत मलत तालीम की वजह से। इसी को मद्देनजर रखते हुए सदर जमीयत उलेमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने यह बयान दिया है, तो यह बयान उनका बिल्कुल दुरुस्त है। अरशद मदनी ने अपने बयान में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया, ऐसे में हिंदू संगठन भी मदनी को जवाब देने के लिए आगे आ गए। बराबरी के स्तर पर मैत्रीपूर्ण मिलना हो सकता है, इसको वो स्वीकार नहीं करते। तालिबान में जो हो रहा है उसको भारत में भी करना चाहते।
मैं समझता हूँ कि आज के युग में ये कहना कि महिलाएं और पुरुष अलग अलग स्कूलों में पढ़ें, ये तो देश को समाज को पीछे ले जाने वाली बात होगी। अरशद मदनी का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दिया है। यही वजह है कि ऐसा बयान आते ही तालिबान के बहाने मदनी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे जलियांवाला बाग नहीं मालूम, शायद ही कोई ऐसा होगा जो जलियांवाला बाग की शहादत नहीं जानता होगा, मगर उसे जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर सियासत जोरों पर है। राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, मगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के समर्थन में कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी वाले कांग्रेस से पूछ रहे हैं क्यों उतर गया पानी। चार सौ से ज्यादा शहीदों के लहू से आज भी जलियांवाला बाग की मिट्टी नम है। आज भी हर बैसाखी जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में उदास हो जाती है। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें और दरवाजे जनरल डायर की क्रूरता की कहानियां कहती हैं। मगर इन्हीं दीवारों को रंगा जा रहा है राजनीतिक रंग में, जिसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के ट्वीट से, जिसमें जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को राहुल गांधी ने शहीदों का अपमान बता दिया। राहुल गांधी ने लिखा, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। पहले समझिए जलियांवाला बाग के नवीनीकरण में राहुल को क्रूरता क्यों नजर आ रही है। दरअसल 28 अगस्त को पीएम मोदी ने यहां नवीनीकरण काम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस प्रयास का मकसद यही है कि जंगे आजादी की लड़ाई के शहीदों की यादों से लोगों को जोड़ा जाए। जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही। लेकिन कई लोग इस बदलाव के विरोध में हैं। सबसे ज्यादा ऐतराज उन गलियारों को लेकर हो रही है जिसे बदल दिया गया है। इस गलियारे में ही जनरल डायर ने बैसाखी पर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने का फरमान सुनाया था। जलियांवाला बाग के नए रूप को लेकर राहुल ने हमला बोला तो ये बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरा। इस तरह के ट्वीट करके ये सिर्फ अपने आप में जो मुबालगा में रह के देश को अपमानित, देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित और देशवासियों को अपमानित करने का जो इनका जो काम है। इस विवाद पर इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुछ नवीनीकरण पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ का कहना है कि बेहतर के लिए किए गए बदलाव पर सियासत सही नहीं। तब्दीलियां हुई हैं, अगर वो तब्दीलियां जो हैं उस इवेंट की मेमोरी को डिस्टॉर्ट नहीं करती और या उसको रीइंफोर्स करती हैं, तो हमें उन तब्दीलियों को मान लेना चाहिए। हालांकि जलियांवाला बाग पर राहुल के विरोध के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को झटका दे दिया। अमरिंदर ने कहा कि जलियांवाला बाग का नवीनीकरण पूरी तरह सही है। I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice। बहरहाल आजादी के आंदोलन के स्मारक पर नया विवाद छिड़ चुका है और हर किसी की व्याख्या का संपूर्ण सार सियासत ही है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पिंकी चौधरी, नाम सुना है आपने, नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं। खबर बताने के लिए आपको बता दें कि 8 अगस्त को संसद भवन के बाहर भड़काऊ नारेबाजी का आरोपी है पिंकी। आज पिंकी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर क्यों किया ये रिपोर्ट में देखिए और आपको भी पता चलेगा कि पिंकी का उतर गया पानी। जय श्री राम, जय श्री राम।
समर्थकों की भी अपनी अलग ही बात होती है। देखिए ना, जिस पिंकी चौधरी को महीने भर से पुलिस तलाश रही थी, जिस पिंकी चौधरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिस पिंकी चौधरी के नाम के आगे दिल्ली पुलिस ने वांटेड लिख रखा है, जिस पिंकी चौधरी को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका देने से इनकार किया है, वो आरोपी पिंकी चौधरी मंदिर मार्ग थाने पहुंचा तो ऐसा दृश्य था। नारेबाजी का शोर सुनिए। और अंदाजा लगाइए कि समर्थक होने की हद कहां तक जा सकती है। सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पिंकी पहुंचा था, फूल माला से स्वागत कराता हुआ। फिलहाल सरेंडर हो चुका है पिंकी चौधरी का। और अब बात हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के घमासान की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बातचीत की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से। सुनिए। प्रशासन और किसानों के बीच हुए टकराव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब, बार बार किसानों के साथ टकराव प्रशासन का, अभी लाठीचार्ज हुआ, तो कब तक सिलसिला चलेगा, किस ढंग से चीजें रुकेंगी? देखिए अशोक जी, कुल मिलाकर के उनकी कुछ मांगे हो सकती हैं, वो मांगों के कारण से अपने धरने पर बैठे हैं। सब बातें ठीक होते हुए भी आखिर समस्या का हल तो उनके हाथ में है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जो भी उनके ऐसा लगता है कि इन तीनों कानूनों में प्रावधान उनको नहीं सूट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। साइंटिस्ट उसमें साथ बैठे हैं, आंदोलनकारी नेताओं को साथ बैठना चाहिए, पॉलिटिकल नेताओं को साथ बैठना चाहिए, लेकिन बातचीत किए बिना इस समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। उन्होंने जिद पकड़ रखी है उन्होंने कि पहले तीनों कानून वापस करो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो क्या फिर लाठीचार्ज जैसे ये घटनाएं होती रहेंगी खट्टर साहब? देखिए, इसमें पिछले दिनों में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई उनके साथ हमारी बैठ के बातचीत हुई, और टोहाना में बातचीत होने के बाद, हिसार में बातचीत होने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, धरने देंगे। हमने कहा धरने दे सकते हैं आप नारे बोल सकते हैं, आपने काले झंडे दिखाने दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं भी सरकारी कामकाज में या किसी भी काम के अंदर बाधा डालने का काम आप नहीं करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग बनी, एक लिखित समझौता हुआ, योगेंद्र यादव ने साइन किए और नेताओं ने साइन किए, लेकिन अब आकर के फिर वो उसी प्रकार से कि हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे, वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में यही चलता है। आप ही निशाने पे क्यों हैं? जहां भी आपके कार्यक्रम होते हैं वहीं जाके ये सब होता है। वो सत्ता विरोध उनका एक टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता जहां जाए उसका विरोध करेंगे, और उस विरोध करने वालों में भी इनको जो शय मिली हुई है ये राजनीतिक दलों से मिली हुई है, चाहे वो कांग्रेस है। प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष जाखड़ जी पंजाब के, उन्होंने तो सीधा सीधा इस बात को माना है कि कैप्टन साहब को एक श्रेय जाता है इस बात का कि इन्होंने जो सारा आंदोलन जो है उसका केंद्र बिंदु हरियाणा को बना दिया, अपने यहाँ से वहां सब भेज दिया है, ये उन्होंने प्रत्यक्ष मीडिया पर माना है। तो इसके अंदर और क्या बड़ी बात हो सकती है? अभी भी कांग्रेस के लोग हरियाणा के भी उनको जो गलत काम के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। अगर ये विपक्ष के लोग रचनात्मक भूमिका निभाएं, ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, तो भी ये चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। आखिर जो चीज नहीं भी है उसको भी उकसाने के लिए काम करते रहते हैं। बातचीत के लिए क्यों नहीं तैयार ग्राउंड कराते, विपक्ष के लोग क्यों नहीं करवाते हैं? अमरेंद्र सिंह का कहना है कि खट्टर साहब ठीक से हैंडल नहीं कर पाए किसान विरोधी, उनके वो कार्रवाई कर रहे हैं, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज किया। हम 9 महीने से ठीक से हैंडल कर रहे हैं। 9 महीने में आखिर जिस प्रकार के प्रदर्शन की वो कर रहे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम बना रहे हैं। हमने लगातार उनसे बातचीत भी की हुई है, कभी भी प्रदर्शन करते हैं तो उनसे बातचीत भी करते हैं। कहीं वो ज्यादती कर जाते हैं उसके बाद अगर एक्शन भी पुलिस लेती है तब भी बैठ के बातचीत होती है, लेकिन एक सीमा से आगे विरोध का कोई कारण बनना नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है क्या? वो पॉलिटिकल पार्टी इस नाते से बीजेपी को, जेजेपी को इनके कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ये कौन सा विषय है? लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की कि सिर फोड़ देंगे अगर वो ऐसा करेंगे, अगर कानून को तोड़ेंगे या क्रॉस करेंगे इस एरिया को, क्या एक एसडीएम द्वारा सर फोड़ने की बात कहां तक जाया जाए? देखिए, मैंने सार्वजनिक रूप से कल भी माना है कि उनके शब्दों का चयन उचित नहीं है। आखिर वो शब्द टाले जा सकते थे, लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी, ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाता है वही तो वो कहेंगे, क्योंकि वो एसडीएम
जिस जगह पर बोल रहा है उसका इस घटना से लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल इनर घेरा जहां मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की उसके 100 मीटर के अंदर अंदर है, और जो थर्ड लास्ट घेरा होता है उसको मजबूत अफसरों को इसलिए दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से यहां का घेरा ना टूटे। उसने किसानों के बारे में नहीं कहा है, उसने कहा कोई भी इसका उल्लंघन करता है, यानी आखिर दूसरे लोग भी कोई उल्लंघन कर सकता है, कोई विरोधी भी कर सकता है, तो उसमें कोई किसान के बारे में कहा गया ऐसा नहीं है। कोई भी इस घेरे का इसका उल्लंघन करता है उससे सख्ती से निपटना है, ये उसका जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है। हाँ, शब्दों का चयन गलत किया है, इसके लिए हमने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कहा है कि किसी अधिकारी को भेज करके इसकी इंक्वायरी कराएं। और वैसे तो मुझे जो बात भी जानकारी मिली है उसने खेद प्रकट कर दिया है, क्षमा याचना कर दी है। जो व्यक्ति खेद प्रकट कर देता है वहां विषय को समाप्त करना चाहिए। किसान संगठनों ने वार्निंग दी है, 6 अल्टीमेटम दिया 6 सितंबर तक का, कि अगर तब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आगे ये आंदोलन को बढ़ाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जगह जगह घेराव करेंगे। देखिए, इस प्रकार की होछी बातें बोलने का कोई कारण नहीं है। अगर ऐसा बोल करके वातावरण को खराब करेंगे तो व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, ये उचित नहीं है। और 7 तारीख 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, 7 तारीख को भी अगर कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरी सवाल कटर साहब, क्या इस आंदोलन को आप जायज मानते हैं, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हो या हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को किसानों को? मैं बता ना कि ये जो 3 कानून की बात की जा रही है, अगर उनको कोई गलत लगता है, आंदोलन मानो कर रहे हैं और गलत लगता है तो बैठ के बातचीत करना चाहिए ना, आंदोलन कोई भी कर सकता है। कोरोना के एक नए और खतरनाक वेरिएंट ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिलने के बाद से ये वेरिएंट कई देशों में पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है और पहली लहर में मिले वेरिएंट के मुकाबले ये तेजी से म्यूटेट हो रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ही पार नहीं पा सके हैं कि कोरोना वायरस में हुए एक नए बदलाव ने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसके बेहद संक्रामक होने की आशंका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट वैक्सीनेशन के बाद बनी एंटीडोज तक को भेद सकता है। कोविड केस बढ़े तो उसकी पूर्व तैयारी पहले से ही करके रखी है। 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से ब्लॉक स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर तैयारी के लिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन के रूप में 50% पैसा भी दिया गया है। अगले दिनों में कोई भी क्राइसिस आए तो इस तरह से हम उसके सामने लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के NICD और KRISP के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट C1.2 की सबसे पहली मई में पहचान हुई थी। मई से अगस्त मध्य तक ये वेरिएंट चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में भी मिला है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की पहली लहर के दौरान सामने आए वायरस के वेरिएंट में से C1 की तुलना में C1.2 ज्यादा म्यूटेट हुआ है। ऐसे में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में रखा गया है। इस तरह की म्यूटेशन वायरस में बदलाव के साथ साथ उन्हें एंटीबॉडी और इम्यून रिस्पॉन्स से बचने में मदद करते हैं। ऐसे में संभावना है कि ये वायरस अभी तक पाए वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। यहां तक कि ये उन मरीजों को भी प्रभावित कर सकता है जिनमें अल्फा या बीटा वेरिएंट के नेचुरल इंफेक्शन से एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में पाया गया है। स्टडी के मुताबिक C1.2 लाइनेज में हर साल करीब 41.8 म्यूटेंट की म्यूटेशन दर है, जो बाकी वेरिएंट की मौजूदा ग्लोबल म्यूटेशन दर से करीब 2 गुनी है। ये वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में C1.2 लाइन में जमा हुए कई म्यूटेंट्स का नतीजा है, जो इसे 2019 में चीन के वुहान में पहचाने गए मूल वायरस से बहुत अलग बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आपको बताते चले कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त तालिबान में पैदा कर दी है अफगानिस्तान में, बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। 20 साल पहले जहां से चले थे, 20 साल के बाद वहीं वापस पहुंच गए। 20 साल में अफगानिस्तान की धरती बारूदी धमाकों से धुआं धुआं हो गई, लेकिन अफगानिस्तान का मुकद्दर नहीं बदला। 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से खदेड़ा था और अब उसी के हवाले अफगानिस्तान का राजपाट सौंप कर अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। तालिबान ने गोलियों की तड़तड़ाहट से इसका जश्न मनाया है।
अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ा अफगानिस्तान। बेखौफ और बेरहम हो गया तालिबान। अमेरिकी सेना के जाते रंग दिखाने लगा तालिबान। तालिबानी पूर्णता का वीडियो आया सामने। एक इंसान को हेलीकॉप्टर से लटका दिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से लटकाया। हेलीकॉप्टर से लटकाकर कंधार में पेट्रोलिंग। एक शख्स पर अमेरिकी सेना के मददगार होने का आरोप। तालिबान का क्रूरतम चेहरा आया सामने। तालिबान ने एक इंसान को हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला। देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए और अंदाजा लगाइए अफगानिस्तान के भविष्य का। अमेरिका ने तालिबान से करार किया था कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ेगा, लेकिन आप खुद देख लीजिए किस तरह अमेरिकी सेना के एक कथित मददगार को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला और उसका बाकायदा प्रदर्शन भी किया। दूसरी तस्वीर में देखिए अमेरिकी सेना की वापसी पर किस तरह तालिबानी राइफलें गरज रही हैं। तस्वीरें गवाह है कि तालिबान न बदला है और न बदलेगा। ये बर्बर थे, हैं और बर्बर ही रहेंगे। बर्बरता की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक सभ्य समाज में इन तस्वीरों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन तालिबान तो बर्बरता पर आमादा है। अफगानिस्तान में फिर से बर्बर तालिबानियों का राज आ चुका है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अब कूच कर चुकी है और तालिबान ने अपनी बर्बरता का ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया है। एक शख्स को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला और उस पर अमेरिकी सेना के मददगार होने का शक था। जिस तरह की तस्वीर है वो यकीनन बदनुमा दाग है। तालिबान जो अपनी शक्ल सूरत बदल लेने का दावा कर रहा था वो जस का तस है, जैसा कि 20 साल पहले था। अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। काबुल के एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। काबुल के एयरपोर्ट पर पसरा सन्नाटा। अफगानिस्तान में अब पूरी तरह तालिबान राज कायम। यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस एयरपोर्ट पर बस विमान नजर आ रहे हैं, न तो लोग हैं और न ही कोई शोर शराबा। 20 साल से अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान में डेरा डाल रखा था, लेकिन डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी सैनिकों का अफगानिस्तान से डेरा तंबू उखड़ गया। अमेरिकी फौज को 31 अगस्त यानी आज अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन फौज तो 30 अगस्त की रात ही अमेरिका कूच कर गई। रात 12 बजे के आसपास काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना का आखिरी दस्ता रवाना हुआ। इसके साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान क्या छोड़ा, तालिबान की जैसे लॉटरी ही निकल आई। आधी रात ही तालिबान ने जश्न मना ली। जगह जगह फायरिंग हुई, जमकर आतिशबाजी होने लगी। तालिबान इस बात से खुश थे कि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा।
आधी रात ही तालिबानी लड़ाके काबुल एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने लगे। Thanks be to Allah. The planes are all parked there. We have entered the ground of the airport. There is no problem. My message is to have no worries. Everything is going fine. तालिबानी बद्री 313 फोर्स के कमांडो काबुल एयरपोर्ट के हैंगर में दाखिल हो गए। वहां खड़े चिनुक हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने लगे। We're here right now with the Taliban as they enter into the what was only minutes ago was an American controlled portion of the military airport. Now they're taking over. सुबह हुई तो तालिबानी कमांडोज भी एयरपोर्ट पर पहुंचने लगे। इसके अलावा तालिबान के बड़े चेहरे काबुल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिए। इनमें से जो खास नाम शामिल हैं, वो हैं मुल्ला बरादर अनस हक्कानी और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद। जबीहुल्ला मुजाहिद और अनस हक्कानी के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तालिबानी कमांडोज वहां पहुंच गए। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तालिबान की 313 बद्री फोर्स के कमांडोज ने संभाल ली है। इस फोर्स की कमान अनस हक्कानी के हाथों में है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद बद्री फोर्स के कमांडो से जबीउल्लाह मुजाहिद ने अल्लाहू अकबर और इस्लामिक अमीरात जिंदाबाद के नारे लगवाए। काबुल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानिस्तानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अपनी कई निशानियां भी छोड़ दी। देखिए हेलीकॉप्टर्स की ये कतारें। अमेरिका यहां अपनी दर्जनों फौजी गाड़ियां भी छोड़ गया। तालिबानी बहुत कौतूहल से एयरपोर्ट पर खड़े इन अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, इसके मुताबिक अमेरिकी फौज ने इन हेलीकॉप्टर्स को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है। ये हेलीकॉप्टर अब उड़ नहीं सकते, यानी कि तालिबान के लिए ये हेलीकॉप्टर बस कबाड़ ही है। आज तक ब्यूरो। तो क्या अमेरिका महज ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए ही अफगानिस्तान में उसने फौज भेजी थी? यह सवाल इस नाते उठ रहा है क्योंकि ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के बाद से ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की बात शुरू हो गई थी। अब अमेरिका ने अपनी फौज को पूरी तरह अफगानिस्तान से हटा लिया है। इस फैसले को लेकर अमेरिका की जमकर फजीहत हो रही है। दुनिया पर दादागिरी करने वाला अफगानिस्तान में बहुत बेआबरू हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाकर दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा ली, अपनी मिट्टी पलीद करवा ली। अमेरिका की सारी साख धूल में मिल गई। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से सोमवार की रात 4 C-17 विमानों ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट ट्रैकर से आप अमेरिकी विमानों की उड़ान को देख सकते हैं। अमेरिका जाने वाले आखिरी सैनिक थे 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के मेजर जनरल क्रिस डोना। इसके साथ ही अफगानिस्तान की जमीन को अमेरिका ने पूरी तरह से खाली कर दिया। 20 साल पहले अमेरिका ने अपनी फौज को इन्हीं तालिबानियों को सत्ता से खदेड़ने के लिए भेजा था, और 20 साल बाद अमेरिका ने एक बार फिर से अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तालिबानियों के हाथ में सौंप दिया और रात के अंधेरे में उसके सभी सैनिक अमेरिका लौट आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। उन्होंने इस काम को अदम्य साहस, व्यावसायिकता और संकल्प के साथ अंजाम दिया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon
at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। इसी दौरान 9 सितंबर 2011 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हो गया। इस भयानक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 2,996 लोगों की मौत हो गई थी, 6,000 से ज्यादा घायल हो गए थे। अमेरिका पर इस आतंकी हमले के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। अमेरिकी स्पेशल फोर्स को तालिबान नॉर्दर्न अलायंस का साथ मिला। नवंबर 2001 में अमेरिकी सेना ने काबुल और कंधार से तालिबान को खदेड़ दिया। दिसंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों से होता हुआ पाकिस्तान भाग गया। अमेरिका ने काबुल में हामिद करजई की अगुवाई में अफगानिस्तान में नई सरकार बनवा दी थी। 12 दिसंबर 2001 को वाशिंगटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तालिबान पर अमेरिकी जीत का ऐलान किया। Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. अमेरिकी सैनिकों ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसके बाद से ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज को कम करना शुरू कर दिया था। 2018 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता भी शुरू हो गई। मजे की बात ये थी कि इसमें अफगानिस्तान सरकार शामिल नहीं थी। 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमेरिका ने फौज वापसी के लिए तालिबान से समझौता कर लिया। अमेरिका ने तालिबान के सामने दो शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि तालिबान हिंसा कम करेगा और दूसरी शर्त थी कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। Taliban has made a commitment to prevent terrorist groups from using Afghanistan as a base for external operations that could threaten the United States or our allies, including Al-Qaeda and the Taliban's sworn enemy, ISIS-K. अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो तालिबान की मुराद पूरी कर दी। जब उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान किया तो उसमें तालिबान के साथ हुए करार का जिक्र नहीं किया। जिक्र करते भी कैसे, उन्हें क्या किसी को भी यकीन नहीं है कि तालिबान हिंसा का रास्ता छोड़ेगा। तालिबान तो अफगानिस्तान में हिंसा का तांडव मचा रहा है, अपने विरोधियों को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी की सजा दे रहा है। अफगानिस्तान के हजारों मुस्लिमों को नरसंहार कर रहा है। अमेरिकी फौजों के हटने के बाद तालिबान ने जिस तरह की गोलीबारी की वो तो महज ट्रेलर था, फिल्म तो अभी और भी हिंसक हो सकती है। आज तक ब्यूरो। एक सितंबर से भारत में कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आशंका पैदा हो रही है कि अगर बच्चों में कोरोना के मामले बढ़े तो क्या होगा। वैसे तो कोरोना काल में स्कूल खोलने के सख्त गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या इससे बच्चों में कोरोना के मामले रुक सकते हैं? एक सितंबर आने में सिर्फ एक दिन का फासला है। कई और राज्यों में स्कूलों की घंटियां फिर बजने वाली हैं। बच्चों के स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 12 तक के स्कूल खुल रहे हैं। हरियाणा में क्लास 4 और 5 के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। तेलंगाना और तमिलनाडु में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में हो सकेगी। असम में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्कूलों के खुलने की गाइडलाइंस जारी की है। क्लासरूम में अधिकतम 50% क्षमता रखने की इजाजत है। सभी टीचर और अन्य स्टाफ वैक्सीनेटेड होने चाहिए। छात्रों को एक दूसरे का लंच, कॉपी किताबें और स्टेशनरी साझा करने की इजाजत नहीं होगी। जो छात्र और टीचर कोविड कंटेनमेंट जोन में होंगे उन्हें स्कूल कॉलेज आने से रोका जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या ये कोरोना गाइडलाइंस पर्याप्त हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा इतने से सुरक्षित होगी? There's been a whole question mark raised about the wisdom of opening schools. So now we are to look at all the aspects of it, and what they have said over there is that there is a multi-layer. Multi-layer means
that everybody is vaccinated when they go to school. They go, there is ventilation which is made, all the precautions of distancing are done, and masking is 100%. कोरोना काल में स्कूल खोलने के मद्देनजर भारत अमेरिका से सीख कर खुद को तैयार कर सकता है। अमेरिका ने जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला किया था। वहां अब बच्चों में कोविड-19 के बढ़े मामले देखे जा रहे हैं। जून में अमेरिका में तकरीबन 10,000 कोविड केस बच्चों में रिपोर्ट हुए थे। 12 अगस्त तक वहां बच्चों में कोरोना के मामले बढ़कर 1,20,000 तक पहुंचे। 19 अगस्त तक इसमें तकरीबन 50% का और उछाल आया और 1,80,000 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो गए। It's a 300-400% increase in the number of kids. It also is reflective or reflects the fact that the kids are sicker because we've got a higher percentage of our COVID positive patients who need ICU care as well. ये हाल तब है जब अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगना शुरू हो चुका है, जबकि भारत में अभी 12 साल से बड़े बच्चों को लग सकने वाले जायदस कैडिला के टीके को सिर्फ मंजूरी मिली है। हालांकि स्कूल खुलने के पक्ष में भी बेहद मजबूत दलीलें हैं। एक संसदीय समिति ने स्कूल न खुलने के खतरों को बताया था। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को लेकर इसके तमाम सामाजिक पहलू बच्चों के लिए खतरनाक हैं। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते मुहर्रम के मौके पर निकले जुलूस में कथित देश विरोधी नारे लगाने का एक मामला सामने आया था। अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर नारा लगाया गया था, शिवराज सरकार ने उस अवैध बस्ती को खाली करवा लिया है। आज तक की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल खबर की पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और निकली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते मुहर्रम के मौके पर निकले जुलूस में कथित देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर नारे लगाए गए थे, शिवराज सरकार ने उस अवैध बस्ती को खाली करवा लिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी यूथ विंग की सोशल मीडिया हेड डॉक्टर ऋचा राजपूत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडियो टैग करते हुए लिखा, उज्जैन में जिस गफूर बस्ती के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, शिवराज सरकार ने पूरी अवैध बस्ती खाली करवा दी। जय हिंद। ये वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉरूम ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। कीवर्ड सर्च की मदद से हमें इस मामले से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। 27 अगस्त 2021 को प्रकाशित इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्जैन के हरी फाटक क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 27 अगस्त को करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाई उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की गई है। दरअसल उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए महाकाल मार्ग में आने वाले तमाम अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो से मिलता जुलता इसी अतिक्रमण हटाने का वीडियो बंसल न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसे उज्जैन के हरी फाटक क्षेत्र का ही बताया गया है। उज्जैन में 20 अगस्त 2021 को मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना गीता कॉलोनी में हुई थी, न कि हरी फाटक क्षेत्र में। उज्जैन की इन दोनों जगहों में करीब 4 किलोमीटर का अंतर है। इसी मामले को लेकर हमारी बात उज्जैन के एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह से हुई। अमरेंद्र ने वायरल वीडियो के साथ किए गए दावे का खंडन करते हुए हमें बताया, देश विरोधी नारेबाजी की घटना उज्जैन की गीता कॉलोनी में हुई थी और अतिक्रमण हटाने का मामला उज्जैन के हरी फाटक क्षेत्र का है। दोनों घटनाओं का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों जगहें दो अलग अलग थाना क्षेत्र में आती हैं। अमरेंद्र ने कहा कि गीता कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने का कोई मामला हाल फिलहाल सामने नहीं आया है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर उज्जैन में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने वाले वीडियो के साथ गलत दावा करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।